तुम अंदर कैसे आए? तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी नहीं मैं अंदर कैसे आया, सिर्फ इतना समझना काफी है कि मैं खोखली धमकियां नहीं देता, अपने वादे के मुताबिक आ गया और अब तुम बहुत मुसीबत में पड़ गई हो तारा सिंह। तुम्हें हिम्मत नहीं है मुझ पे गोली चलाने की? खबरदार, हिलो मत वहां से। एक कदम भी आगे बढ़ाया तुमने तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा मैं, समझे? एक और कत्ल की सजा पाना चाहता है तू? किस कत्ल की बात कर रही हो तुम? किसके कत्ल की बात कर रही हो? बेचारी तारा सहगल जिंदगी भर मुझे पकड़वाने की उम्मीद में बैठी रही और हमेशा खुद पछती रही। आई रियली पिटी यू तारा, आई रियली पिटी यू बास्टर्ड। से कहना पड़ रहा है कि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट सी बात है कि आपकी कंपनी की पब्लिक इश्यू की पब्लिसिटी का कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलने के बावजूद हमारी स्टाफ स्ट्रेंथ को शक में लेकर ये मुद्दा बनाया जा रहा है कि हम शायद इस प्रेजेंटेशन के काबिल नहीं हैं, हम इसे पूरा नहीं कर पाए। बहुत ही अजीब सी बात है, बल्कि हम लोग साफ साफ ये बात कह चुके थे कि हमारी स्टाफ स्ट्रेंथ रोहित मल्होत्रा एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग से कम है। ऐसे केस में सिर्फ दो बातें दिमाग में आती हैं, पहली तो ये कि आपका ऑफिस स्टाफ स्ट्रेंथ को ज्यादा अहमियत देता है बजाय इसके कि स्ट्रेटजी कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है, और दूसरी बात ये कि रोहित मल्होत्रा एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग में टोटल 50 लोगों की टीम है। अब 50 लोगों की टीम के पास कम से कम 25 अकाउंट्स होंगे, और अगर उनको आप ये अपना कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा सिर्फ
दो लोग इस कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, और कुछ भी हो हम लोग ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से आपका प्रेजेंटेशन तैयार कर पाएंगे। तो अब डिसीजन आपके हाथ में है, देखते हैं आप क्या डिसाइड करते हैं। रोहित मल्होत्रा ने इन लोगों को रिश्वत दी है तो चाहे हमारे पॉइंट्स जितने भी सही हों, ये कॉन्ट्रैक्ट रोहित मल्होत्रा का मिलेगा। देवयानी मुझे नहीं लगता है कि उसने किसी को रिश्वत दी है। क्यों? वो ऐसा आदमी लगता नहीं है। ये लो। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हम सब लोग ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कि बॉस को कॉन्ट्रैक्ट मिला भी है कि नहीं मिला है। बॉस और बॉसिनी को वो कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है, समझे? अरे नहीं नहीं समझे। तुम्हारे भेजे में भूसा भरा हुआ है क्या? हिंदी समझ में नहीं आती? कोई और भाषा में समझाओ। आप किसी भी भाषा में बोलिए बेटा जी, लेकिन बात मेरी अभी भी समझ में नहीं आ रही है कि आखिर हमें पता कैसे चला कि बॉस को कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि नहीं मिला, लेकिन उनको तो मिला ही नहीं, पता ही नहीं हमको। हमें पता चल चुका है सीजर। कैसे पता चला? ओ, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट ना मिले। देवयानी कभी भी हार नहीं मान सकती। और गौतम जी हार मान सकते हैं ना? उनके बारे में तो आज तक ऐसा ही होता आया है, तो मैं क्या बताऊं? सेलो टेप लाओ। ये है, देखो बॉस के बारे में तुमने ऐसा तो कुछ बोला ना, मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। हाँ, कह देता हूँ मैं। ए यू बॉस के चमचे, देवयानी की तरफ से बोलने का मतलब ये नहीं होता कि मैंने बॉस के खिलाफ कुछ बोला है, समझे? नहीं समझे? इडियट, उल्लू के पटे। चलो एनीवे, जल्दी से डेकोरेशन पूरा करो, बॉस और बॉसिनी कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। जेंटलमैन एंड यंग लेडी, हमने डिसाइड किया है कि पहले के प्लान के मुताबिक IBM से हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट टैकल करेगी। एनीवे कांग्रेट्स जेंटलमैन। थैंक यू सर। एंड चीयर अप यंग लेडी। थैंक यू सर। लेट्स सेलिब्रेट। माय गॉड, ये सब किसने किया? रास्ते पर चल चुके हैं, और देखना एक ना एक दिन IBM कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी एड एजेंसी बनकर आएगी। बेटा तुम्हारे मुंह में की शक्कर। सर हमें गर्व है कि हम आपकी कंपनी में हैं, अब पार्ट ऑफ योर कंपनी। थ्री चीयर्स फॉर IBM। हुर्रे हुर्रे। कांग्रेचुलेशंस दिव्यानी, मुबारक हो। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई है। तुमने ये राउंड जीत लिया दिव्यानी, लेकिन जब इस जंग का ऐलान तुमने ही किया है तो तुम्हें ऐसे और बहुत से राउंड्स के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि कौन ज़्यादा ताकतवर है और कौन जीतेगा ये जंग आखिर में। रोहित इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है गौतम कि हम लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं, हमने अपने आप को प्रूव कर दिया है, इतना कि हमारे कॉम्पिटिटर्स अब हमसे चैलेंज करते हैं। हमने अपनी एक लीग बना ली है, हमें अपनी सक्सेस का जश्न मनाना चाहिए। Yes, you're right, Devyani. Three cheers for IBM! Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Hip hip! Oh, आरज़ू, आरज़ू, आरज़ू! ये खुश होने की बात नहीं है कि आप अशोक साइबर को कटघरे में ले आए हो। किसी इंसान को कटघरे में लाने से वो मुजरिम साबित नहीं हो जाता। ऐसी बात नहीं है कंचन, किसी को भी मुजरिम साबित करने की शुरुआत उसको कोर्ट के कटघरे में लाकर खड़े करने से होती है, और अशोक साइबर की शुरुआत हो चुकी है। मैं दावे से कह सकती हूँ कि जब वो इस कटघरे में से बाहर निकलेगा तो उसके हाथ में हथकड़ियां होंगी। भगवान करे तुम्हारी बात सच निकले।
इस बार अगर वो भगवान भी नहीं करेगा ना, तो भी ये बात सच होगी। वक्त का दायरा पूरा हो चुका है, जी हमारी ही होगी। तुम ये बात इतनी यकीन से क्यों कहती हो? आरज़ू, अशोक सहगल को कोई जरूरत नहीं थी कि वो खुद जाकर के खून करे और फिर अपना नाम बदल के खुद अपने हाथों में प्राण दस्तखत करे। अशोक सहगल जैसा आदमी अपने हाथ गंदे नहीं करता, वो सुपारी देता है। हर मुजरिम कोई ना कोई गलती जरूर करता है, एंड देयर इज ऑलवेज एन एक्सेप्शन टू दिस रूल आल्सो। अपवाद होता है, लेकिन इस बार वो अपवाद अशोक सहगल। नहीं 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 नहीं, इतनी आसानी से चीजों को मान लेना बहुत बड़ी गलती है। इस वक्त दिमाग से काम लेना चाहिए। ओहो वहां गया, लेकिन दीपक का कत्ल वो नहीं कर सकता। अशोक सहगल भी वहां था, वो कत्ल कर सकता है। एक और आदमी जो आज तक नहीं मिला है और जिसको आप लोग आराम से भूल गए हो, साहिल यार, वो है कहाँ? उसे भूल जाना ही ठीक है, वो हमारे लिए भूल भुलैया की तरह था, जिसकी वजह से हर बार अशोक सहगल बच जाता है। कबूतर की तरह आंख भूल लेने से सच्चाई छुप नहीं जाती आरज़ू। मेरे ख्याल से वो कौन साहू बियार, इसको ढूंढना बहुत 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 जरूरी है। वक्त आने पर उसे भी ढूंढ लिया जाएगा, लेकिन इस वक्त मैं अशोक सहगल को कटघरे से जेल की तरफ जाते हुए देखना चाहती हूँ। हम सभी यही चाहते हैं, तारा भी और शायद तुम। सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। योर ऑनर, कोर्ट ने मेरे मुवक्किल मिस्टर अशोक सहगल को नोटिस भेजा था कि वो आज यहां आए और मुलजिम की तरह से इस कटघरे में आकर के खड़ा हो जाए। मिस्टर दीपक सेठ के कातिल के रूप में, और वो सिर्फ इसलिए कि जिस वक्त गोवा में दीपक सेठ का खून हुआ था, संयोग से मिस्टर अशोक सहगल भी उस वक्त गोवा में थे। मेरे ख्याल से बंबई शहर में हर रोज तकरीबन 11-12 खून होते हैं, और क्योंकि हम सभी लोग इसी शहर में रहते हैं, इसलिए हम लोगों का ये फर्ज बन जाता है कि हम लोग हर रोज एक मुलजिम की तरह से आकर के कटघरे में खड़े हो जाएं, तब तक जब तक कि ये साबित न कर दें कि बंबई शहर में होने वाले इन खूनों में हमारा कोई हाथ नहीं। I object, Your Honor. किस बात पर? एक प्लेन और सिंपल लॉजिक पर ऑब्जेक्शन मिला। Your Honor, अशोक सहगल का गोवा जाना महज इत्तेफाक नहीं था। कौन कहता है मजीठिया साहब कि ये एक इत्तेफाक? योनर, मैं भी मानता हूं कि मिस्टर अशोक सहगल का गोवा जाना एक इत्तेफाक नहीं था। एक बेचारा शरीफ इंसान अपनी छुट्टियां मनाने के लिए गोवा जाता है, और जिस रिजॉर्ट में वो ठहरा है वहां पर जब बैठा अपने ड्रिंक एंजॉय कर रहा है तो ये हादसा हुआ, और आप कहते हैं कि ये कातिल, ये कैसे मुमकिन है मिलोन? योनर, हमारा इल्जाम बेबुनियाद नहीं है। अशोक सहगल उस दिन हॉस्पिटल गए थे और अपने नाम की जगह उन्होंने प्रमोद पांडे के नाम से साइन किए थे। योनर, आपकी फाइल में उस रजिस्टर के रिकॉर्ड मौजूद हैं, आपके मुवक्किल के जाली सिग्नेचर भी और असली भी। एक 100 कॉल जाली सिग्नेचर की अगेंस्ट में 35 असली सिग्नेचर। ग्रेट, ये वाकई इंसाफ की अदालत है। माफ कीजिएगा मिलॉर्ड, लेकिन क्या किसी एक जाली सिग्नेचर के एवज में 35 सिग्नेचर कराए जाएं तो क्या कोई सिग्नेचर मैच नहीं हो सकता? ये अशोक सहगल, अशोक सहगल के नाम से बॉम्बे से गोवा गए और गोवा से अशोक सहगल के नाम से ही वापस बॉम्बे आए। मिलॉर्ड, जब ये आदमी दीपक सेठ का कत्ल करने के लिए अशोक सहगल के नाम से जा सकता है, तो हॉस्पिटल में अशोक सहगल बनकर क्यों नहीं जा सकता? कहने का मतलब यह है मिलॉर्ड, कि अगर यह जानते हुए भी कि कत्ल का सारा इल्जाम इन पर आएगा, ये बेखौफ अपने नाम से गोवा जा सकते हैं, तो बेखौफ अपने ही नाम से हॉस्पिटल भी तो जा सकते हैं। मिलॉर्ड, अगर मिस्टर अशोक सहगल दीपक सेठ का मर्डर करने के लिए गोवा जाने में कॉन्फिडेंट थे,
तो उसी कॉन्फिडेंस के साथ वो दीपक सेठ का मर्डर भी तो कर सकते थे। बेबुनियाद। दरअसल योनर ये सारा केस ही बेबुनियाद है। मिस्टर अशोक सहगल का और मिस्टर दीपक सेठ का आपस में कोई संबंध नहीं है, हाँ, सिवाय इसके कि मिस्टर अशोक सहगल की बेटी तारा सहगल गैर कानूनी तौर पर दीपक सेठ के साथ रह रही थी और उसके दीपक सेठ के साथ नाजायज संबंध थे। मिलोर्ड, उस तारा सहगल ने यहां तक किया कि अपने बाप को भरी सोसाइटी में सर नीचा कर देने पर मजबूर कर दिया। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, मिस्टर टंडन को कोई हक नहीं है कि वो मेरी मुवक्किल मिस तारा सहगल को इस तरह जलील करें, भले ही उनका जुर्म साबित हो या ना हो। एग्जैक्टली योर ऑनर, एग्जैक्टली मिस्टर मजीठिया, अगर मुझे ये हक नहीं है कि मैं आपके क्लाइंट को जलील करूं, तो अदालत के किस कानून ने आपको ये हक दिया कि आप मेरे क्लाइंट को जलील करें? किसने ये हक दिया आपको कि आप उसे मुलजिम बनाकर उस कटघरे में खड़ा कर दें, उस पर खून का वो मुकदमा चलाएं जिसका उसके साथ दूर तक कोई संबंध नहीं है? सिर्फ इसलिए कि बॉबी नाम के किसी आदमी ने ये कबूल कर लिया या ये कहते हुए सरेंडर कर दिया कि मरने वाले को मारने के लिए अशोक सहगल ने उसे सुपारी दी थी। अगर बॉबी किसी एक्स वाई जेड का नाम लेता, क्या मिस्टर मजीठिया आप उसे भी अदालत के इस कटघरे में ला करके खड़ा कर देते? शर्म की बात है मिलोर्ड, वाकई शर्म की बात है। सभी लोग जानते हैं मिलोर्ड कि मिस्टर अशोक सहगल और उनकी बेटी तारा सहगल के बीच में संबंध कैसे थे। बरसों बीत जाने के बाद जिस तरह से एक बाप और बेटी के बीच में प्यार बढ़ता जाता है, उसी तरह से इस बाप अशोक सहगल और इसकी बेटी तारा सहगल के बीच में नफरत बढ़ती गई। और ये नफरत इतनी बढ़ती गई मिलोर्ड कि कई बार पब्लिकली तारा सहगल ने अपने बाप अशोक सहगल को बेइज्जत करने की कोशिश की। दरअसल मिलोर्ड, हकीकत ये है कि बॉबी तारा सहगल के लिए काम करता था। बॉबी के और तारा सहगल के कैसे संबंध थे, क्या संबंध थे, ये तो जग जानी बात है। जेल से छूटने के बाद बॉबी ने दीपक सेठ पर दो बार कातिलाना हमले किए, इसलिए कि वो नहीं चाहता था कि उसकी प्रेमिका पर कोई और आदमी भी अपना हक जताए। लेकिन जब दोनों बार वो नाकामयाब रहा मिलोर्ड, तो फिर वो कहीं जाकर के छिप गया। फिर तारा सहगल क्या करते मिलोर्ड? जब बॉबी दो बार दीपक सेठ का कत्ल करने में नाकामयाब रहा, तो तारा सहगल ने यह काम खुद अपने हाथों से करने का फैसला किया और बड़ी सफाई से दीपक सेठ का मर्डर कर दिया। लेकिन बेचारी बदकिस्मती से पकड़ी गई। इसके बाद की कहानी तो आप सभी लोग जानते हैं। That's all, Milord. Your Honor, मेरे अजीज मिस्टर टंडन का कहना है कि उनके मुवक्किल का दीपक सेठ के साथ कोई रिश्ता नहीं था, सिवाय इसके कि उनकी बेटी दीपक सेठ के साथ रहती थी और उनके साथ उसके संबंध थे। तो फिर योर ऑनर, वो वहां पर क्या कर रहे थे जब मानसी का कत्ल हुआ? वो मानसी जो मरने से पहले बरसों तक उनकी प्रेमिका थी और दीपक सेठ की सास भी, क्या इन्होंने कत्ल के वक्त दीपक सेठ को रंगे हाथों नहीं गिरफ्तार किया था? क्या उन्हीं की चश्मदीद गवाही को सबूत मानकर दीपक सेठ को 8 साल की सजा नहीं दी गई थी? दी गई थी ऑनर। तो ऑनर, मेरे पास एक VHS कैसेट है जिसमें मानसी के कत्ल की रिकॉर्डिंग है। एक कैसेट पहले भी मानसी मर्डर केस के दौरान पेश किया गया था, लेकिन उसे देखने से पहले ही बदल दिया गया। लेकिन योर ऑनर, ये ओरिजिनल कैसेट है और ये साबित कर देगा कि मानसी का कत्ल एक्चुअली में अशोक सहगल ने किया था। ये कैसेट वर्षों से एक धमकी के तौर पर इस्तेमाल की जा रही है। इस कैसेट की एक कॉपी हमें भी दी गई। आप चाहे तो इसे पब्लिकली देखें या अपने चैम्बर में जाकर के देखें, जैसी आपकी मर्जी।
लेकिन मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि ये कैसेट इतना पुराना हो चुका है कि क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतना घिस चुका है ये कैसेट कि असली पिक्चर बिल्कुल दिखाई ही नहीं देती। और यस मिस्टर टंडन, योर ऑनर, ये कैसेट उतना ही पुराना है जितना कि मानसी केस, लेकिन इसकी पिक्चर उतनी ही क्लियर है जितना कि एक नेकेड ट्रूथ। टेप आज दोपहर को देखा जाएगा। कोर्ट की अगली तारीख अगले सोमवार को मुकर्रर की जाएगी। कोर्ट इज एडजर्न फॉर द डे।